मध्य प्रदेश के कटनी जिले से झोलाछाप डॉक्टर का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। बता दें कि कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र के ग्राम बूढ़सा में मेडिकल स्टोर से झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा था। तबीयत खराब होने पर ग्राम बूढ़सा का निवासी अजय चौधरी सर्दी और खांसी की दवाई लेने गया था। मेडिकल स्टोर संचालन के यहाँ झोलाछाप डॉक्टर द्वारा उसे दवाई देकर इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगते ही सर्दी खांसी तो ठीक नहीं हुई बल्कि हाथ पैर और पूरे बदन में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद देखते ही देखते युवक की जीभ बाहर आ गई और बोलती बंद हो गई। परिजन आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा ले गए, जहाँ से युवक को कटनी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या हो गया चाचा, कैसे ये इनकी जवान बंद हो गई? मेरे को जानकारी नहीं, अच्छा खासा परसों दिन ये काम करने गया था। परसों ये कल सुबह करीब 11-12 बजे मोनी मेडिकल गया है। कहाँ? मोनो मेडिकल भुड़सा। वहाँ गया, वो बोला मेरे को सर्दी जुकाम हाथ पाँव में दर्द है, मेरे को दवा दे दो तुम। वो बोला इंजेक्शन लगवा लो, वो दो इंजेक्शन लगाए नस पे इसके। अच्छा। वहाँ से इसके घर आया है, घर आया तो बेचारी इसको छा गई, हाथ पाँव छटपटा रहा था। इसके बाद में ये शाम को इसके माँ इसकी दीदी ये हाथ पांव सोटना शुरू की। सुबह तक में इसका पूरा ये गर्दन जकड़ गया, हाथ पांव जकड़ गया, जीभ बाहर आ गई, आवाज़ नहीं निकल पा रहा था, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहा था। इसकी माँ, इसकी दादी इसको लेके उसी की मेडिकल गई, वो फिर दवाई किया फिर दवाई भी दिया, फिर तो पोजिशन और ख़राब हुई, ठीक नहीं हुआ। मैं उसके मेडिकल पर भी गया यहाँ लाने से पहले, तो वो मेडिकल पे नहीं था। ये है साहब, कौन सी मेडिकल? ये बस ये एक पेशेंट अभी आया था, उसकी जो जीभ थी बाहर निकल करके अकड़ गई थी और उसको सांस वांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, खाना खाने में भी पता चला कि एक दिन से खाना नहीं खा रहा है। और ये बता रहा था कि कुछ इंजेक्शन या कहीं गाँव में इलाज चल रहा था, उसके संबंध में जानकारी लेकर के आवश्यक कार्रवाई की जाए।